नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम मध्य प्रदेश समसामयिकी में अप्रैल 2023 माह का जो करंट अफेयर्स है उसको कंसीडर करेंगे। इसके पहले हम मई, जून, जुलाई और अगस्त माह का जो मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं वो आपने लेक्चर देख लिए होंगे। उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप MBBSC प्री जो 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपकी जो है वो चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये पूरा लेक्चर MCQs फॉर्म में ही होगा, ठीक है। बाकी आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हाल ही में किस जिले में हरहार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है? सीधी, शहडोल, अनूपपुर और गुना। आपको पता है सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई वाला जो चैप्टर है वो हमारे मध्य प्रदेश की भूगोल वाला जो चैप्टर होता है, जो यूनिट होती है उसमें होता है। तो ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जो लगातार चर्चा में होती हैं, या फिर शासन या प्रशासन जहां ज्यादा वहां पर एक्टिव होता है, तो उसको हमें याद करना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शहडोल। शहडोल जिले में स्थित ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है जिसका अनावरण 5 अप्रैल 2023 को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो याद रखना है हरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदरजा आम को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। जी अप्रैल माह में मध्य प्रदेश के लगभग ऐसे 8 से 9 वस्तुएं थी जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला। क्या होता है सर ये जीआई टैग? जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली एक विशेष वस्तु होती है जो उस क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करती है, या उस क्षेत्र विशेष में ही हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सुंदरजा आम है वो आपको पता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपको देखने को मिलता है। इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के लगभग 9 उत्पादों को एक साथ GI टैग मिला है, और इस तरह से मध्य प्रदेश में जो GI टैगों की संख्या है साहब वो हो गई है 19। तो 19 के 19 जो हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वहां जाकर आप इस पूरे 19 की लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये क्या होता है सर GI टैग, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है कि ये किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति या फिर वस्तु होती है जिसका एक बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसके लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, जो कि सितंबर 2003 से प्रभावी माना जाता है। मेंस के टॉपिक में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये 19 की 19 जो वस्तुएं हैं या ऐसी चीजें जो मध्य प्रदेश को GI टैग प्राप्त हुआ है, मैंने इसका संकलन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 3 दिवसीय नव प्रवर्तन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 दिवसीय जो नव प्रवर्तन महोत्सव है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किया गया था। याद रखना है इसका उद्देश्य राज्य में नवाचार मतलब इनोवेशन, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र को तंत्र की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आपको पता है धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है या भारत का जो कल्चर है वो धीरे धीरे अब स्टार्टअप पर क्या होना है या इंटरप्रेन्योरशिप की ओर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, जिस दिशा में हम ये महोत्सव वगैरह देखने को मिल रहा है। 3 दिवसीय नव प्रवर्तन महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट शख्सियत के बारे में पूछता है, जैसे जैसे उन्होंने विवेक सागर के बारे में पूछा था। जैसे यदि हम बात करते हैं तो एक 2019 के क्वेश्चन में आया था, देवेंद्र झांझरिया जी के बारे में पूछा रह चुका है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक और हालिया बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं जिनका नाम है श्री राजू सिंह भदौरिया। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बताना है ये संबंधित हैं घुड़सवारी से। क्या हुआ था कि अप्रैल माह में घुड़सवारी की एक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी पेरिस में। कहां पर आयोजित की गई थी? पेरिस में एक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी जिसमें ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। श्री राजू सिंह भदौरिया मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बिलोंग करते हैं और स्पेशली वो उन वो घुड़सवारी संबंधित माने जाते हैं।
एकेडमीज भी पूछी जा चुकी हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी जबलपुर में स्थित है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। अकादमी से क्वेश्चन हर साल एमबीपीएससी में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा या रायसेन? तो इसका सही आंसर होगा रायसेन। रायसेन जिले से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संभाले हुए हैं या वहां उसके मंत्री हैं, उनके द्वारा राज्य स्तरीय जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ रायसेन से किया गया। जापानी, जो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है ये किस तरह के मच्छर के काटने से होता है? तो आपको याद रखना है क्यूलेक्स नाम का एक स्पेशल मच्छर होता है जिसके काटने से ये जापानी राज्य सॉरी जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, ये अपन को याद रखना है। और इस अभियान का शुभारंभ रायसेन जिले से किया गया। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना कब से लागू की गई? 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 या 14 अप्रैल? तो आपको याद रखना है 11 अप्रैल 2023। आपको याद हो एक पेपर हुआ था एडीपीओ का, उसमें यह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो राज्यपाल साहब थे है ना मंगू भाई, उन्होंने किस दिन शपथ ली थी, किस डेट को शपथ ली थी? तो जब वो ये पूछ सकता है तो वो ये भी पूछ सकता है कि राज्य मिलेट मिशन योजना कब से लागू की गई। तो 11 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उन्हीं की अध्यक्षता में मंत्री परिषद ने यह फैसला लिया कि राज्य मिलेट मिशन योजना लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से हम जो श्री अन्न जो मोटे अनाज होते हैं उनकी पैदावार को बढ़ावा मिलेगा, उनकी बिक्री को भी क्या होगा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की नंबर वन यूनिवर्सिटी बन गई है? तो मध्य प्रदेश की जो नंबर वन यूनिवर्सिटी बन गई है साहब, वो बन गई है जीवाजी यूनिवर्सिटी। जीवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में ग्वालियर में की गई थी। हाल ही में नैक के द्वारा क्या होता है ये एन, ठीक है, एनएएसी एक संस्थान है जो क्या करता है, एजुकेशन जो संस्थान होते हैं उनकी ग्रेडिंग बताता है। तो नैक रैंकिंग में A++ ग्रेड जो है वो मिला है ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी को। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? रानी दुर्गावती जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। वही विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में स्थित है, जिसकी स्थापना भी 1957 में की गई थी। वही राजा भोज यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है, 1991 में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी, ये भी अपन को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोनोबिक्स लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी ये स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। कहां पर स्थापित की जाएगी साहब? ग्वालियर जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किस जिले में किया गया? अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किया गया। आपको पता है हर वर्ष 14 अप्रैल को आपको पता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर की महू तहसील में उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के नाम पर महू रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो 14 अप्रैल की जगह 16 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्म दिवस पर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन, माफ कीजिएगा, ग्वालियर जिले में किया गया। याद रखना है अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया? ग्वालियर जिले में किया गया, ठीक है। किसे मध्य प्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस लेक्चर के बाद हम कल या परसों फरवरी माह का मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक युवा नीति लॉन्च की गई। क्या लॉन्च किया गया साहब? युवा नीति, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए,
युवाओं में कौशल प्रशिक्षण के लिए, युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को विकसित करने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लाई गई जिसको युवा नीति कहा गया। यूथ महापंचायत के रूप में एक बहुत बड़ी महापंचायत की आयोजन किया गया। उसी में यह डिसाइड किया गया कि एक कमीशन भी बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसको हम मध्य प्रदेश राज्य युवा आयोग कहेंगे, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी को नियुक्त कर दिया गया है अप्रैल 2023 में। ये 2 वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक के लिए युवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, जिसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया है वो जारी किया गया है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। यूनेस्को की सब रीजनल कॉन्फ्रेंस किस जिले में आयोजित की गई? तो यूनेस्को आपको पता है बहुत बड़ा संस्थान है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉपरेशन, है ना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है यूनेस्को। यूनेस्को की जो सब रीजनल कॉन्फ्रेंस है ये मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा मिंटू हॉल जो कि भोपाल में स्थित है वहां पर ये आयोजित की गई। किसे? मध्य प्रदेश कछुआ जो मछुआ सॉरी मछुआ जो होते हैं, है ना, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनको उनकी कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। उस कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष श्री बाथम जी को नियुक्त किया गया है, ये भी अपन को याद रखना है। इसके पहले हमने डॉक्टर निशांत खरे जी के बारे में पढ़ा जो कि मध्य प्रदेश राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला है किसे? राज्य सफाई कर्मचारी। आपको पता है नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, नगर परिषदों में क्या होता है? सफाई कर्मचारी होते हैं, तो सफाई कर्मचारी आयोग होता है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसे उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्री प्रताप करौसिया जी। कौन नियुक्त किया गया है? श्री प्रताप करौसिया जी को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर जो होते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उस सभी समुदाय को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है उनको शामिल किया गया है पिछड़ा वर्ग को, जिन्हें हम किन्नर भी कहते हैं। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 अधिनियम के तहत उन्हें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में जोड़ लिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय गवर्नमेंट जो होता है मध्य प्रदेश सरकार का एक और पोर्टल है, उसमें भी इसको जो है बहुत ज्यादा चर्चा की गई। हाल ही में चर्चित गौदड़ देव मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में एमपीपीएससी पहले पूछ चुका है, तो आपको याद रखना है हाल ही में चर्चित गौदड़ देव मंदिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। जो क्यों चर्चा में आया? ये इसलिए चर्चा में आया, इसको राज्य संरक्षित स्मारक घोषित अभी हाल ही में संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा के गौदड़ देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन, आपको पता है भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसकी शुरुआत 2019 में माननीय मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसी को एक्सपांड करके हर घर नल योजना के रूप में लाया गया। हर घर नल योजना किस जिले को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान किया गया है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला बुरहानपुर जो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने केले और कपास के उत्पादन के लिए, ये पूछा गया था एमपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में। आपको पता होगा, यदि आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना है। तो एमपीपीएससी 2022 में ये पूछा गया था कि केले और कपास के उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो वो है बुरहानपुर, माफ कीजिएगा, है ना, ये कंफर्म नहीं है, ये मैंने एक टेस्ट सीरीज में पढ़ा था, है ना, कि कपास और केले के लिए कौन सा जिला फेमस है, है ना, एमबीपीएससी 2022 में सॉरी ये नहीं पूछा गया है। तो उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बुरहानपुर को, मध्य प्रदेश का पहला हर घर जिला है, नल जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है साहब, वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, और वहीं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कुछ किताबों में 1975 में लिखा हुआ है, और कुछ किताबें ये कहती हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, तो वो अपन अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है वन विहार नेशनल पार्क के निर्देशक के द्वारा वन विहार में प्लास्टिक का यूज क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में पद्मश्री 2023 की घोषणा की गई, जिसमें एक बहुत बड़े डॉक्टर मध्य प्रदेश से निकले, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर जी, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिलोंग करते हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी मात्र 20 रुपए में ये चेकअप करते हैं और आजीवन इन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों की सेवा की है, इसलिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हाल ही में कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है रमेश परमार और उनकी वाइफ शांति परमार जी को। वे मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं, तो वो रखती हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से। ये आपका पल देख पा रहे हैं, शांति परमार और रमेश परमार जी को जो गुड़िया होती है ना, जो झाबुआ की बहुत फेमस गुड़िया है, उसको देश विदेश में पहचान मिली है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये झाबुआ जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, किस लेवल का है? इंटरनेशनल लेवल का है साहब। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? ये आयोजन किया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। हमने अभी आपको बताया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पहले बंद था, है ना, अभ्यारण हुआ करता था 1933 के आसपास। 1955 में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बना, है ना, और अभी हाल ही में 27 से 29 अप्रैल तक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर किया गया है। 1974 में सबसे पहले यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर भी शामिल किया गया था। ठीक है, हाल ही में किसे राज्य निर्वाचन के द्वारा राज्य स्तरीय निर्वाचन की आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो ये है ट्रांसजेंडर संजना सिंह। याद रखना है, निर्वाचन की राज्य स्तरीय आइकॉन नियुक्त हुई है समाज सेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह। इसके पहले वो स्वच्छ भारत अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश की रह चुकी हैं, तो पहले से ही ये जाना माना नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको और याद रख लेना है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? तो आपको पता है कुमार गंधर्व जी जो थे बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतकार माने जाते हैं, इन्होंने देवास को अपनी कर्मस्थली बनाया था, तो देवास में ही इस समारोह का आयोजन किया गया। 2021 के प्रीलिम्स में यह पूछा गया था कि कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था, तो शिवपुत्र सिद्धाराम कोमकाली ये उनका मूल नाम था। तो ये भी अपन को याद रखना है, जितने भी हमारे साहित्यकार सा हैं उन सभी का मूल नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो पंडित कुमार गंधर्व संगीत समारोह देवास में आयोजित किया गया। इन्हीं के नाम पर 1992 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा शास्त्रीय संगीतकार को बढ़ावा देने के लिए कुमार गंधर्व सम्मान भी दिया जाता है। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।